नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे जाति ही पूछो साधु की या जाति ना पूछो साधु की। अपराधी की जाति पूछेंगे, मरने वाले की जाति पूछेंगे, क्या करेंगे आजकल हम? विकास दुबे इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब हत्यारा अपराधी अगड़ी जाति का होता है तो मीडिया और हमारे नेता किस तरह से बयान देते हैं, जब मरने वाले दलित जाति के होते हैं, जब अत्याचार झेलने वाले दलित और पिछड़ी जाति के होते हैं, आदिवासी होते हैं, तब हमारा और आपका क्या रवैया होता है? कोरोना काल, लॉकडाउन काल में कितने भारतीय नागरिकों ने सीवर और सेप्टिक टैंक में जान गंवाई, इस पर कोई चर्चा सुना आपने? किसी नेता को दुख व्यक्त करते हुए, ट्वीट करते हुए या घड़ियाली आंसू बहाते हुए देखा क्या आपने? नहीं ना? वजह इसकी क्या है? आइए ले चलते हैं उस ओर जिस ओर कोई जाने को तैयार नहीं होता, जिन मुद्दों पर, जिन मौतों पर पूरी की पूरी चुप्पी बनी रहती है। हम चलते हैं उस चुप्पी को तोड़ने। आप भी सोच रहे होंगे कि जिस समय सारा मीडिया, सारे लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि विकास दुबे ने क्यों किया, वही विकास दुबे जिसके बारे में आप तक तमाम खबरें पहुंच रही होंगी, लाइव अपडेट चल रहे होंगे कि इतने पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाला जो अपराधी है, जो खूंखार अपराधी है, जिसे हम आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, जिसे हम बाकी और नामों से नवाज रहे हैं, वे किस तरह से उज्जैन में महाकाल की शरण में जाकर उसने सरेंडर किया, क्या सोचा होगा उस समय? हम ये नहीं जानना चाह रहे कि इस लॉकडाउन काल में, कोरोना संकट में 25 मार्च से लेकर जुलाई तक हमारे आपके अपने भारतीय नागरिक, कितने लोग सीवर और सेप्टिक टैंक में मारे गए, क्या सोचा आपने कभी? नहीं ना? क्योंकि यह आंकड़ा बहुत परेशान करने वाला है। जो आंकड़ा हमारे सामने आया है वह 26 का आंकड़ा है। आंकड़ों के हिसाब से इस कोरोना काल में, लॉकडाउन काल में, हर दूसरे से तीसरे दिन एक भारतीय नागरिक मारा गया हमारे और आपके इस देश के सीवर और सेप्टिक टैंक के भीतर, और इस पर कहीं से भी कोई जुम्बिश होती दिखाई नहीं देती है। और ये जो मौतें हैं, जिन्हें हत्या कहना बेहतर है, जिन्हें हम हमेशा से हत्या कहते आए हैं, ये सारी जगह फैली हुई हैं। अगर भारत का नक्शा हम आपको दिखा पाए तो आप देखेंगे कि शुरुआत इस आंकड़े की 25 मार्च से होती है, देश की राजधानी दिल्ली से होती है, जहां एक बहुत कम उम्र के भारतीय नागरिक सुरेश एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अपना दम तोड़ते हैं, और वहां से लेकर अब तक यह सिलसिला अनवरत जारी है। इसमें महाराष्ट्र आएगा, तमिलनाडु आएगा, और प्रधानमंत्री का खास राज्य गुजरात आएगा, जहां पर 7 भारतीय नागरिक एक सीवर सेप्टिक टैंक को साफ करने में एक साथ मारे जाते हैं। लेकिन कहीं भी हमें किसी भी जगह पर इस पर चर्चा होती नहीं दिखाई देती है। जिस समय लोगों का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित था, जिस समय हमें और आपको समझाया जा रहा था कि घर के अंदर ही रहना है, ठीक उसी समय हमारा जो भारतीय समाज है, सफाई कर्मचारियों को सीवर और सेप्टिक टैंक में उतार कर मार रहा था। इस बारे में हमने बातचीत की सफाई कर्मचारी आंदोलन के नेता बेजवाड़ा विल्सन से। आइए सुनते हैं विल्सन क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बेजवाड़ा विल्सन, सफाई कर्मचारी आंदोलन के आप नेता हैं। लॉकडाउन के दौरान और इस कोरोना संकट के दौरान सबसे बड़ा संकट सफाई कर्मचारियों के सामने क्या रहा? लॉकडाउन का कारण सफाई कर्मचारी का परेशान ज़्यादा हो गया, क्योंकि तो वो काम हर दिन करना पड़ता है, सरकार हर दिन काम का तो बुलाते हैं, सारे म्यूनसिपालिटी, सारे नगर सभा लोग बुलाते हैं, बट उनका तो कोई सेफ्टी गेयर कुछ नहीं होते हैं। ये सिर्फ सफाई कर्मचारी का ये सेपरेट एक
प्रॉब्लम आए। सीवर में मौतों का सिलसिला भी लगातार चलता रहा, इस पे आपके संगठन ने क्या किया? एक बात है, वो लॉकडाउन का वजह से सीवर डेथ का, सीवर पे काम करने वाला का कोई फर्क नहीं है। लॉकडाउन हो लॉकडाउन ना हो, सीवर डेथ्स कंटिन्यूसली हैपनिंग। और अभी तक ये मार्च 25 लेके जुलाई 1 तक हम लोग आगे आंकड़ा लिए तो 26 लोग ये सीवर गटर का अंदर अभी भी मर चुका। सो मतलब क्या है, लॉकडाउन का कारण से, कोरोना का कारण से सारे बंद हो गया, ऐसा एक हम लोग सोचना कोई ज़रूरी नहीं, मरने वाला मर रहा है। बट एक बहुत दुख का बात होते हैं, अगर कोई नागरिक एक सेना पे नहीं है तो सीमा पे मर जाए तो हम इसका इतने तारीफ करते हैं, इससे सीरियस लेते हैं। अगर कोई हमारा शहर का अंदर ही मर जाए तो, पर्टिकुलरली सफाई कर्मचारी, इससे कोई एक बात भी ना प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री कोई एक भी बात नहीं होती, एक कदम भी कैसे रुकना, कोई नहीं है। अगर कोई हमारा का शत्रु आके मारना, सो मुझे लग रहा है ये देश का एक स्वभाव है, अभी एक मिलिट्री तरफ चल रहा है। मतलब ये हमारा का अभी आज तक हम लोगों ने सोचा ये लोकतांत्रिक देश है, बट ये मिलिट्री पे सारे ध्यान रखना, अभी मिलिट्रीराइजेशन करना, सो सारे ये इसी पे ही ध्यान ज़्यादा हो गया। नागरिक का उनका हालचाल क्या है, उनका खाने के हैं नहीं है, उनका जीने के हक हम लोग ने कहते हैं वो सही से मिलते हैं नहीं है, इसी पे चर्चा कहीं नहीं हो रहा है। सीवर में जो 26 मौतों आप बता रहे हैं, इसके बाद आप लोगों ने क्या किया? हर मौत होने के इमीडिएट हमने एक सरकार का, सबका, राष्ट्रपति लेके मुख्यमंत्री लेके प्रधानमंत्री गवर्नर सारे स्टेट चीफ सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सबका हम लोग चिट्ठी लिखते हैं, और वहाँ परिवार का साथी जाके उनसे बात करके उनका क्या क्या मिलना सारे बताते हैं। और ये लॉकडाउन का वजह से हम लोग अभी साइलेंट है, और एक्चुअली लॉकडाउन हो ना हो ये मौतों अगर नहीं रुके तो हम सड़क पे आके सरकार का दिखाएंगे, सफाई कर्मचारी का कितने गुस्सा है। जैसा कि विल्सन बता रहे हैं, हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे जो लेटर्स लिखे जाते हैं, जो पत्र लिखे जाते हैं, इनका कहीं से कोई जवाब नहीं आता, चाहे वो मुख्यमंत्री को लिखे जाए, प्रधानमंत्री को लिखे जाए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखे जाए, हर जगह जो पत्र लिखे जाते हैं वो इसलिए लिखे जाते हैं ताकि दरवाजा खटखटाया जाए, ऑफिशियल कंप्लेन दर्ज की जाए। और इससे भी बड़ी बात जो हमें सामने दिखाई दे रही है इस समय, कि इसी संकट के दौरान पूरे देश भर में, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली शामिल है, हमने देखा कि सफाई कर्मचारियों को उनका जायज वेतन तक नहीं दिया जा रहा था, इसके लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ा। मेरठ से जो अभी खबर आ रही है कि वहां 35 से अधिक सफाई कर्मचारी संघर्षरत हैं, आधे लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, ठीक इसी समय जिस समय कोरोना का संकट चल रहा है। और साथ ही जिस तरह से सुरक्षा उपकरण सफाई कर्मचारियों को मुहैया कराए जाने चाहिए थे, वे कहीं भी मुहैया नहीं कराए गए। और तो क्या ही कहिए, एम्स जैसे संस्थान में जो सैनिटेशन के हेड थे, उनकी मौत कोरोना से हुई। तमिलनाडु से तमाम वाकये हमारे सामने आए हैं, जहां लोग, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा उपकरण ना होने की वजह से कोरोना ग्रसित हुए और मारे गए। दिल्ली में भी इस तरह के वाकये हैं, मध्य प्रदेश में इस तरह के वाकये हैं, लेकिन इनका डेटा रखने के लिए कोई कहीं से भी तैयार नहीं है। और फिर आप पूछेंगे कि कोरोना काल में भी हम जाति की बात करते हैं? सवाल सिर्फ सैनिटेशन वर्कर या सिर्फ सफाई कर्मचारियों का नहीं है। इस दौरान हमने देश भर में देखा कि जो दलितों पर हमले हैं, दलितों पे जो हिंसा है, दलितों पे जो मारपीट है, बर्बर हिंसक घटनाएं हैं, बलात्कार है, यौन उत्पीड़न है, उन घटनाओं में इतना जबरदस्त इजाफा हुआ है कि शर्म आती है ये सोचते हुए कि इस दौरान देश लॉकडाउन में था, देश कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी कर रहा था। इन तमाम घटनाओं पे जो देश भर में छितरी हुई हैं, जिन पर बातचीत बहुत कम हुई, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट काम, बहुत महत्वपूर्ण काम किया नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस ने, NDMJ जिसे कहते हैं। हमने इस संगठन से जुड़े हुए कुछ लोगों से बातचीत की, हमने बात की रमेश नाथन से भी। नमस्कार रमेश नाथन जी।
आपका न्यूज क्लिक में स्वागत है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि रमेश नाथन एक बहुत ही अहम संस्था चला रहे हैं। इस संस्था का नाम है नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस। और कोरोना काल में, लॉकडाउन काल में, जिस तरह से दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, एट्रोसिटीज बढ़ी हैं, बहुत ही ऐतिहासिक काम इस संस्था ने किया है उनको डॉक्यूमेंट करने का। और सिर्फ डॉक्यूमेंट ही करने का नहीं, बहुत सी जगहों पे जाकर वहां न्याय के लिए जो लड़ाई और जरूरत थी उसमें हस्तक्षेप किया, वहां कोशिश की कि FIR हो। रमेश नाथन जी इन दिनों चेन्नई में हैं। वेलकम टू न्यूज क्लिक रमेश नाथन जी। एंड आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो रिपोर्ट आई है, जो आप लोगों ने सब कंपाइल किए हैं केसेस, क्यों जरूरत पड़ी? Why there was a need to immediately at the time of corona to intervene and to collect the evidences like this? Thank you very much, Basha ji. When the curfew lockdown was announced, initially we thought that the atrocity may not take place because people going to be staying at home. And there will not be much interaction, communication with the communities across the country. But later on, we realized gradually the discrimination, untouchability practices are coming up, especially in UP, Haryana, MP, when Dalit women cook food for the people who are in the quarantine. They refuse, the Brahmins are refused to eat the food. And also gradually we witnessed violence against Dalit and Adivasi communities. Dalit youths were beaten up since he was wearing Ambedkar portrait t-shirt in Tamil Nadu. And the elected representatives, Dalit women who are being humiliated, not allowed to not allowed to enter into the panchayat office. And many Dalit girls, women have been raped and murdered in many parts. So how many total cases NDMJ is able to document during this period? And totally, what is the time frame? Yeah, totally around 115 cases are reported. This is only reported. We are documented the cases, but intervened, monitored and intervened both Tamil Nadu and northern part of India. Around 45 cases we monitored and intervened. Initially there was a difficulty reaching out to the communities, undertaking fact-finding because of the lockdown. But over the phone, through media and social media, we are able to interact and collect the documents. The latter part, it was little easy when the relaxation was announced. Our activists are able to move to the communities, collect proper informations and documentation from the victims and survivors. सबसे ज्यादा जो कॉमन चीज आपको दिखाई देती है तमिलनाडु से लेकर नॉर्थ इंडिया में इस दौरान, जो एट्रोसिटीज हैं वह क्या है? व्हाट इज द कॉमनैलिटी बिटवीन द केसेस इफ यू आर एबल टू फाइंड फ्रॉम तमिलनाडु और द साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया? देयर इज सम कॉमन लिंक ऑफ दीज इंसिडेंसेस। कॉमनैलिटीज मेनली द अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूजन, especially in the distribution of relief packages by the government, accessing the government schemes is the major commonalities. In terms of violence against Dalit women are very, very common. In terms of sexual abuses, rapes, rape and murders are very, very common. And it is really frightening. And the issue related to sanitation workers is also a common phenomenon because they have been forced to engage in sanitation work in the local government, municipalities, corporations,
without any safety measures. Recently also in Tamil Nadu, where four Dalit youth died while cleaning the septic tank in the districts of Thoothukudi. So, and also they are underpaid. They are working as a contract laborers. It is not really fair because the work is very tedious, and they are not considered as an employee of the municipality or corporation. Government should take immediate measures. One is to provide alternate technology for manual scavenging, sanitation workers, and safety nets. Also, we find that they should be made as an employee of the municipal corporations, and they should get fair salaries, decent salaries. Okay. So, broadly, these cases tell that during the corona time also, the caste and the curse of the caste was very much visible, and it was affecting Indian citizen the same way, the virus of the caste. Yeah, yes. I mean, the coronavirus maybe it can be controlled once the vaccination is in. The caste, which has been for several generations. So even during this lockdown period, the caste virus is very visible, and vehemently people are committing violence against the Dalit communities, which means it is infiltrated in the DNA of Indian society. And that is, I mean, whether it's consciously or unconsciously or subconsciously, it's coming out during the lockdown period also. So what was the next move you are planning? आगे आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? See, the next move is one is we have documented with the evidences, and we are going to submit the memorandum to concerned state government and central government for appropriate action against the perpetrators, against the police officials who refuse to perform their duties. And also we are going to submit the report to United Nations for us through special procedures. I think this issue also need to be internationalized and mobilize support from the civil society organizations and various democratic forces. Like one single a black youth, George Floyd, who have been crushed to death by police, that has shaken the world. The people from not only from US, also from European continent or other continent, they raised collective voice. But whereas here in India, in average, three Dalits and Adivasis are murdered every day. And 11 Dalit and Adivasi women are raped every day. This is the average statistics I'm sharing based on the National Crime Record Bureau. But the kind of support and solidarity from the democratic forces, political parties, or film, the actors, or film industries, or cricket players who have raised voice in support of George Floyd. But here there are many George Floyd every day, no, shouting that we can't breathe, we can't breathe, we can't live, we can't survive in the country. But the caste issue is not really been visualized, and it's not really been seen as an injustice that is are committed for the so many million people of India, also in South Asia. Shukriya NewsClick se baat karne ke liye, Ramesh ji. Thanks a lot. और उनसे जो बातचीत हमारी हुई उससे एक बात साफ उभर कर आई कि इस संकट के दौरान करीब जो मार्च से लेकर अभी तक का जून अंत तक के उन्होंने जो आंकड़े जुटाए हैं उनके हिसाब से 115 से अधिक वाके सिर्फ दलितों पर हिंसा के हुए हैं, जिनमें इस संगठन ने
45 के करीब मामलों में हस्तक्षेप किया, क्योंकि अधिकांश मामलों में पुलिस या प्रशासन पूरी तरह से बेशर्म चुप्पी साधे हुई थी। ये जो रिपोर्ट है ये बहुत अहम रिपोर्ट है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि कोरोना और लॉकडाउन को आड़ बना के हर जगह जो प्रशासन है वह तकरीबन एक ही चीज कह रहा था कि इस समय उसे कोरोना से लड़ना है, इसलिए दलितों पर होने वाले ये जो अत्याचार है इन पर वह ध्यान नहीं दे सकता। FIR तक दर्ज कराने के लिए तमाम लोगों को, चाहे वो हरियाणा हो या फिर तमिलनाडु, हर जगह भीषण संघर्ष करना पड़ा। अभी भी तमाम मामले लंबित हैं, और ये जो हम मामले आपके सामने शेयर कर रहे हैं, जो आपको कुछ स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे, ये तमाम वे मामले हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं, जो दर्ज किए गए हैं, जिनके बारे में खबरें छपी हैं। और हम और आप सब जानते हैं कि जो असल मामले होते हैं वो इससे कई गुना ज्यादा होते हैं, क्योंकि पुलिस तक पहुंच पाना, रिपोर्ट दर्ज करा पाना, मीडिया में खबर दर्ज करा पाना, लिखवा पाना, रिपोर्ट हो पाना, पहले की तुलना में आज कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन ऐसे में ये जो 115 मामलों की लिस्ट हमारे सामने है, इससे यह बात तो बहुत साफ हो जाती है कि कोरोना से बड़ा संकट जाति के वायरस का है। हमें डर एक दूसरे से मिलने से जरूर लगता है, लेकिन जब मामला दलित को पीटने का आता है तब कहीं से भी कोरोना का संकट नहीं आता। जब बच्चे जो खेत में चराने गए हैं अपनी भेड़ों को, अपने जानवरों को, उनको मारने के समय कोरोना का संकट याद नहीं आता। जब दलित महिला के ऊपर अत्याचार होता है, यौन हिंसा होती है, तब कहीं से भी कोरोना संकट याद नहीं आता। यहां जब मैं आपसे कह रही हूं कि बहुत से मामले दर्ज नहीं होते या उन पर कायदे की रिपोर्टिंग नहीं होती, तो यह कोरोना काल में जो हमने न्यूज क्लिक की तरफ से रिपोर्ट की, जो मैं खुद लखनऊ गई और वहां से जो रिपोर्ट पेश की, ग्राउंड रिपोर्ट की, उससे भी एक बड़ा उदाहरण सामने आता है। न्यूज क्लिक की तरफ से हम इस समय पहुंचे हैं बरौली, खलीलाबाद, लखनऊ, PGI के बिल्कुल पास सटा हुआ यह गाँव है। यहाँ पर 3 नौजवानों को सरेआम सबके सामने जलील किया गया, उनके बाल काटे गए, चौराहा बनाया गया, जूतों की माला पहनाई गई, मुंह पे कालिक पोती गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और उनकी तरफ से जो जारी बयान है उसके हिसाब से भी इन तीनों के ऊपर जिस तरह की बर्बर पिटाई हुई, इनके सर मुड़ाया गया, हिंसा हुई, उस पर SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट लगता है। पुलिस के हिसाब से भी ये तीनों गिरफ्तार हैं, बाकी लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और सारा मामला चोरी का बताया जाता है। यहाँ पर हम जाकर बात करेंगे उन लोगों से जो उनके परिवार वाले हैं, हम बात कर रहे हैं उन लोगों से जो इनको बचाने के लिए आए, लीगल प्रोसेस करने के लिए आए, भीम आर्मी के लोगों से हम बात करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरेआम दलित युवकों को पीटा गया, उनके बाल छीले गए, कालिक पोती गई, पिटाई हुई, सब कुछ वीडियो पे रहा। लेकिन देखिए कि इस पर कितनी कम या तकरीबन ना के बराबर रिपोर्टिंग हुई। और फिर हम कहते हैं कि कहां दलितों पर अत्याचार हो रहा है, कहां अनटचेबिलिटी है। कोरोना काल में जिस तरह से अनटचेबिलिटी की मार देश के नागरिकों पर पड़ी है, शायद वह जाति की जितनी बड़ी गंदगी हमारे समाज में, हमारे दिमागों में है, इसको बेनकाब करने के लिए काफी है। दोस्तों, जाति एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा अदृश्य भारत है जिसे हम महसूस तो करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते। जब हम विकास दुबे की बात करते हैं, उसके कारनामों की बात करते हैं, उसके सरेंडर की बात करते हैं, तब अंदर से अंदर एक प्राउड होता है, एक प्राइड होता है, गर्व महसूस होता है लोगों को कि इस जाति का व्यक्ति यह कर रहा है। शर्म नहीं होती, हिंसा की बात नहीं होती, लेकिन यही काम अगर किसी दूसरी जाति या धर्म के व्यक्ति ने किया होता तो नफरत का अंबार अखबारों में, मीडिया में उभरा होता, गुस्सा आ रहा होता,
काश यह गुस्सा हमें उन सफाई कर्मचारियों की मौतों पर भी आए जो इस सिस्टम की वजह से मारे गए। काश हमें यह गुस्सा उन 115 घटनाओं पर भी आए जिसकी वजह सिर्फ जातिगत सोच, जातिगत उत्पीड़न और जातिगत दंश है। आज खोज खबर कार्यक्रम में इतना ही। आपसे एक अपील है कि आप देखिए, लाइक करिए खोज खबर, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाइए लोगों तक, ताकि सच को सच कहने का हमारा हौसला आपकी मदद से बरकरार रहे। शुक्रिया। We'll be right back.